मोमोज बनाएंगे। मोमोज बनाने के लिए हमने मैदा ले लिया है, उसमें नमक डाल ले हैं और उसको मिलाते रहिए। अब हम इसको सॉफ्ट आटा गूंथ रहे हैं। पानी की सहायता से ये अच्छी तरह आटा गूंथ लें। अब हमने आटा गूंथ लिया है, अब इसको ढक के छोड़ देंगे। हम गैस ऑन करेंगे, इसमें कढ़ाई चढ़ाएंगे, उस पर तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने के लिए हमने छोड़ दिए हैं। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें घसा हुआ बंदा गोभी डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब्जी को। अब हम इसमें विनेगर डालेंगे। हाई फ्लेम पर सारी सब्जी को हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारी सब्जी पक गई है, अब दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम आटा को छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। देखिए अब हम मोमो का पूरी बेल रहे हैं। हमें रोटी को एकदम पतला रखना है। अब देखिए मैं इसमें सब्जी डाल रही हूँ। देखिए हम पूरी पर सारी सब्जी डाल चुके हैं उसमें। उसको किनारे किनारे पानी लगा दीजिए ताकि मोमो बनाने या सटने में उसको सुविधा रहे। इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसका आकार बनाया जाता है। मैं एक और मोमो बना रही हूँ, उसको देखिए आप ध्यान से किस तरह से बनता है। अब हमने सारे मोमोस बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे, एक बर्तन में पानी डाल के रखेंगे। मोमोज के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल आप सभी मोमोज के ऊपर लगा के रख दीजिएगा। मैं मोमोज इडली के बर्तन में बना रही हूँ।
अब हम सारे मोमोज को इस बर्तन में रख रहे हैं। अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम स्टैंड को निकाल लिए हैं पानी के अंदर से और मोमो बाहर निकाल के रख रही हूँ प्लेट में। देखिए हमारी मोमो कितनी टेस्टी बनी गई है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा।